सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी का नेशनल प्राइम टाइम, जिसके अंदर मजाक मजाक में बड़े ही प्यार मोहब्बत से हंसी हंसी में पूरे देश में क्या चल रहा है वो सुन लेते हैं आप। वरना तो दोस्तों आप जानते हैं जो मुद्दे मैं बताता हूँ वो सारी दुनिया आपसे छुपाती है, खासकर गोदी मीडिया वो दम ही नहीं रखती कि आपको सच दिखा पाए। तो इस रिपोर्ट के अंदर अक्सर हम वही चीज़ें दिखाते और बताते हैं जो आपसे गोदी मीडिया वाले छुपाते हैं। तो दोस्तों चलिए कुर्सी की पेटी आराम से बांध लीजिए और जो है कुछ काम वाम कर रहे हो तो थोड़ा किनारे कर दीजिएगा। आज अन भक्तों की तेल लगाकर धुलाई करेंगे और दनादन 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 जरूरी नहीं है हम कुछ बोलें, भावनाओं को समझो। और अनभक्तो कैसे हो सालो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आपको बता दूं पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में एक पोस्टर हम बहुत देखा करते थे, कौन सा पोस्टर, जिस पे लिखा हुआ करता था बहुत ही पेट्रोल डीजल की मार अब की बार मोदी सरकार हमने पोस्टर ठीक कर दिया है, वो आपकी स्क्रीन पर बहुत हुई जनता पर पेट्रोल डीजल की मार, इसका कारण मोदी सरकार, नीचे लिख दिया है भाजपा को छोड़ दें दोस्तों बुलडोजर बाबा बुलडोजर वाली सरकार बताई जा रही है ससुरा। ये बुलडोजर जो है आज के युवाओं और उनके भविष्य पर चल रहा है। पेपर लीक हुआ, अब आपकी स्क्रीन पर कांग्रेस के सीनियर नेता आपकी स्क्रीन पर दिग्विजय सिंह का ट्वीट लगा रहा हूँ। इन्होंने एक न्यूज़ शेयर किया है और बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। मध्य प्रदेश में ऑनलाइन एग्ज़ाम 2022 से व्यापम द्वारा पैसा लेकर शासकीय सेवाओं में भर्ती हो रही है। सीबीआई ने भी केवल प्रोफेशनल कॉलेज में भी भर्ती प्रकरणों की जाँच की है। अब मैं आपको अंदर का इसका न्यूज़ लिंक खोलकर दिखा रहा हूँ। सिंधिया के करीबी मंत्री तक पहुंची व्यापम पेपर लीक कांड की आंच। गोविंद सिंह राजपूत के बेटे के कॉलेज का निकला स्क्रीनशॉट। ये जो गोविंद सिंह हैं इनका बेटा है, इनके बेटे का कॉलेज है और ये जो आदमी हैं ये ज्योतिराज सिंधिया के काफ़ी करीबी हैं, भाजपा नेता के काफ़ी करीबी। तो कॉलेज से यानी इन नेता के बेटे का कॉलेज है उससे एग्ज़ाम पेपर लीक हो गया पहले ही और पैसा लेकर भर्ती की जाती है, पूरा प्लान है इस पे। अब ये प्लान खुद दिग्विजय सिंह ने अगले ट्वीट में बताया है। अब आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए, शासकीय सेवाओं में भर्तियों की जांच सीबीआई ने नहीं की, मामू गैंग के दलाल व्यापम द्वारा अपने चहेते छात्रों को विशेष सेंटर दिलवाते हैं और उन्हें एक दिन पहले रात को उनके मोबाइल जब्त कर पेपर आउट किया जाता है, दूसरे दिन उन्हें सीधे एग्ज़ाम हॉल लेकर एग्ज़ाम दिलवाया जाता है। यदि परीक्षा केंद्र आधार पर नतीजे घोषित हों तो सारी पोल खुल जाएगी। यानी समझ लो बच्चों, एग्ज़ाम तो हो रहे हैं और आपको लग रहा है लीक नहीं हो रहे तो आपकी गलतफहमी है। अरे लीक होते सभी हैं भाजपा के द्वारा, लेकिन जो पकड़ में आ जाते हैं उस पर बवाल हो जाता है। सोचो तुम्हारे भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाला और तुम्हारे भविष्य पर बुलडोजर चलाने वाला कौन है? और कहो माता पिता को दबाइए भाजपा का बटन, बहुत बढ़िया लो बाबा जी का ठुल्लू। जैसे घोड़े का नाम आते ही महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक का नाम याद आता है, वैसे ही गधे का नाम सुनते ही मुझे, खैर छोड़ो नहीं नहीं जाने दो, आगे बढ़ते हैं। भारत जो गड्ढे में जा रहा है उसके पीछे भाजपा है। अब नीरव मोदी 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 नाम का आदमी क्या कहें यार, एक देश में रहकर लूट रहा है, एक देश से लूट कर पैसा भाग गया है। नीरव मोदी का खुलासा स्क्रीन पर लगा रहा हूं। नीरव मोदी का लंदन कोर्ट में खुलासा, 546 करोड़ भाजपा नेताओं को कमीशन दिया, समझिए। अब ये जो खबर है ये दिग्विजय सिंह ने भी शेयर कर दी है, सभी बड़े बड़े नेताओं ने, इंटरनेशनल मीडिया में ये बात आ चुकी है, हर जगह शेयर हो चुकी है।
यानी लूटने वाला कोई और नहीं बल्कि लुटवाने वाले ये भाजपा ही है। साहेब ने सब प्राइवेट कर दिया है, साहेब ने आधी चीजें बेच दी हैं। जिस इंसान ने कभी एग्जाम नहीं दिया एग्जाम पर जाके चर्चा कर रहा है, मतलब अखंड भक्ति है भाई, अखंड भक्ति है। गू खा के मूत पी के आदमी ऐसे ही पगला जाता है, एक ही आदमी को सब कुछ मान लेता है। लेकिन दोस्तों इन सब के बावजूद जो देश में हो रहा है, मोदी जी हमेशा कहते हैं और हम भी कहेंगे क्या, सब अच्छा है। इसी के साथ दोस्तों अब जरा दूसरा मुद्दा भी आपको दिखा देते हैं, दोगलापंथी की भाजपा के इंतहा समझिए। गोवा और केरला में अगर बीफ खाया जाए तो बीजेपी अंधी हो जाती है, लूली पूजे समझ में नहीं आता उनको, बच्चा। लेकिन इन दोनों के अलावा पूरे भारत में अगर कहीं बीफ खाया जाए, ओहो, छाती ठोक ठोक के बीजेपी और संघ के जानवर चीखते हैं, अरे हिपोक्रेसी के भी सीमा होती है, मोदी जी खुद ही बोलते हैं, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अरे दुश्मन देश पाकिस्तान आर्थिक रूप से दिवालिया, कंगाल, नंगा भूखा, लेकिन वहां पर पेट्रोल 62 रुपए लीटर और हमारे भारत में 100 से ऊपर, लेकिन फिर भी भारत में, अरे मोदी जी आप ही बोलो, सब चंगा सी। भाइयों बहनों, विकास करते हुए हमने आज से LPG सिलेंडर के दाम भी बढ़ा दिए हैं, 250 रुपये LPG सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए। भाइयों बहनों मैंने देखा हर चीज़ के दाम बढ़ रहे थे, ना इंसाफ सिर्फ LPG के साथ हो रही थी, तो हमने उसका विकास कर दिया। मुबारक हो दोस्तों, अब 250 रुपये आज से घरेलू गैस के दाम बढ़ा दिए हैं मोदी जी ने। इतना ही नहीं, तेल महंगा, गैस महंगी, अब टोल भी महंगा हो गया। इतना ज्यादा विकास हो गया, लेकिन इन सब के बावजूद मोदी जी सब अच्छा है। हाँ सब ठीक है भाई, बहुत चंगा सी, बहुत बढ़िया। अंध भक्तों के प्रोपेगेंडा और सस्ती एक्टिंग को देखकर पत्रकार भी कैमरे के सामने अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे। आपको बता दूं कि कश्मीर फाइल्स का प्रोपेगेंडा देखने के बाद बाहर निकला एक अंधभक्त और किस तरह से सस्ती एक्टिंग कर रहा था वो देखिए, और पत्रकार का रिएक्शन बहुत दर्दनाक है और बहुत गलत बात। कश्मीर में जो हिंदू भाइयों के साथ कंट्रोल कंट्रोल कश्मीर में जो हिंदू भाइयों के साथ बहुत दर्दनाक। बहुत चिल्मा। अरे भाई प्रोपेगेंडा है प्रोपेगेंडा। शरद पवार साहब ने सीनियर, हमारे भारत के सीनियर राजनेता क्या कह रहे हैं, उनका बयान आया है कि द कश्मीर फाइल्स सिर्फ और सिर्फ भारत में नफरत का माहौल बना रही है, बल्कि सिर्फ नफरत फैला रही है, नफरत का एनवायरनमेंट बना रही है और मुसलमानों से नफरत करने का बहाना दे चुकी है। दूसरे तरफ सुशासन, राम राज्य और बहुत चंगासी बोल बोल कर भाजपा जूते घिसती है, अपने मुंह घिसती है, बहुत बढ़िया काम। आइए दोस्तों आपकी स्क्रीन पर दिखाते हैं सुशासन का प्यारा सा एक, हाँ देख लिया आपने, ठेले पर स्वास्थ्य व्यवस्था लटकी जा रही है, एम्बुलेंस गई तेल लेने। बताइए ये उत्तर प्रदेश का हाल है, केजरीवाल तो नहीं है ना वहाँ पे, अरे यार मुझे लगा केजरीवाल या नेहरू है, खैर छोड़िए, सब चंगा सी। दोस्त
पत्रकारों में कोई एक पत्रकार तो ऐसा अमर उजाला का हमको मिला जिसके हम एनडीटीवी के बाद फैन हो गए। अमर उजाला के एक पत्रकार, सीनियर पत्रकार को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि उन्होंने पेपर लीक की जानकारी अखबार में छाप दी। लेकिन न वो पुलिस से डरे, न डीएम से डरे, न सरकार से डरे। बलिया डीएम चोर है, बलिया डीएम नकलखोर है, बलिया प्रशासन मुर्दाबाद, बलिया प्रशासन मुर्दाबाद, बलिया डीएम मुर्दाबाद। भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार संघ का मंडल अध्यक्ष भैया के साथ ही अमर उजाला का संवाददाता नगरा से, नगरा क्षेत्र में, भीमपुरा क्षेत्र में, भिलतरा रोड क्षेत्र में धड़ल्ले से कापियां परीक्षा केंद्रों पर यूपी बोर्ड की लिखी जा रही थी। मैंने अपने सूत्रों के आधार पर संस्कृत हाई स्कूल का हल पेपर सूत्र से लिया और इसके बाद उसको अपने अखबार को अमर उजाला को भेज दिया। वह अखबार में छपा, विधिवत छपा, जो वायरल कॉपी थी उसके साथ छपा। दूसरे दिन जो है कि नहीं, कहीं से अमर उजाला को अंग्रेजी का पेपर मिल गया, वो भी जो है कि ना छपा। इसके बाद बलिया प्रशासन की पोल खुल गई। जो डीएम कहता था कि हम बुलडोजर चलवाएंगे, नंगा करके सबको नंगा करेंगे, वो खुद नंगा हो गया, जिला विद्यालय निरीक्षक नंगा हो गया। देखा दोस्तों आपने, इनके सल्यूट है, ये होते हैं दमदार पत्रकार। खैर दोस्तों, अब आगे बढ़ के आपको बता दूं, नीतीश कुमार ने कल एक बयान दिया था कि दारू पीने वाले गद्दार वो भारत के हो ही नहीं सकते। इस पर एक बहुत लॉजिकल जवाब आया है तेजस्वी यादव की तरफ से। उन्होंने कहा है कि इस लॉजिक के हिसाब से अगर कोई दारू पी रहा है तो वो भारतीय नहीं है, इस लॉजिक के हिसाब से तो भारतीय सेना भी भारतीय नहीं है। जी हाँ, अरे भारतीय सेना को तो ठंड में रम वम पीनी पड़ती है, वो पीते हैं भाई, तो इसका मतलब वो भारतीय सेना पाकिस्तान की है या जर्मन की है, किसकी है भाई साहब, नहीं आ रहा होगा समझ में। खैर, लेकिन सब चंगा सी, भारत में सब चंगा सी भाई। वैसे तो पूरी दुनिया में जितने धर्म हैं, किसी धर्म में नफरत नहीं सिखाई जाती, प्रेम और प्यार सिखाया जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आप मुसलमान हैं तो खुश होइए और शुक्र अदा कीजिए कि हम और आप मुसलमान हैं। कोई धर्म बुरा नहीं होता, इंसान बुरा होता है। हिंदुत्व भी बुरा नहीं है, हिंदू धर्म भी बुरा नहीं है, प्रेम प्यार आस्था सब कुछ वहाँ भी है, इंसानियत वहाँ भी है। बस मानने का, ऊपर वाले को मानने का तरीका अलग अलग है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इस नफरत के दौर में ये बात क्लियर हो गई है, इस्लाम तो इस्लाम है, इस्लाम से बढ़कर कोई बेहतर नहीं। अब आप इसी से लाइव एग्जांपल समझ लीजिए कि जहाँ पर कर्नाटका में मुसलमानों का बाइकॉट चल रहा है, दोबारा नहीं दिखाऊंगा, बस सुन लीजिए, मुसलमानों से सामान लेने का हिंदू बायकॉट कर रहे हैं, बल्कि हिंदू नहीं, माफ कीजिएगा, वो हिंदू थोड़ी ना है, वो लपरझंटा सिर्फ नफरत की और गु की पैदावार। जब सारी गंदगी को मिलाकर आप जलाएंगे और वो जो धुआं गंदा गंदा निकलेगा, वो गंदा धुआं वो यही है, गंदगी है ये, जो हमारे देश के हिंदू मुस्लिमों के बीच में नफरत डाल के देश को कमजोर कर रहे हैं। ऐसे ही जलील होगे तुम, यहां भी जलील हो रहे हो और ऊपर भी जलील होगे। सुनिए दोस्तों, इस्लाम कितना प्यारा मजहब है। उन लोगों ने कर्नाटक में ऐलान किया कि मुसलमानों का बायकॉट करो, कोई सामान मुसलमान से नहीं लेना। इधर अब लेटर हेड लगा रहा हूं, कर्नाटक के ही जामिया उलमा कर्नाटका ने अपने लेटर हेड पर यह बयान जारी किया
कि रमजान के पाक महीने में हम किसी के साथ गलत व्यवहार ना करते हुए हम अपने हिंदू भाइयों की दुकानों से भी सामान खरीदेंगे। फर्क साफ है, एक तरफ नफरत, गंदगी, हिंसा, एक तरफ प्यार, मोहब्बत, भाईचारा है। आप किधर हो वो जरा देख लेना। बाकी हमारे मोदी जी तो कहते ही रहते हैं सब चंगा सी। आखिर में संघ और अनभक्तों के मुंह पर जोरदार झापड़ मारना बहुत जरूरी है। देखिए दोस्तों, आपको मैं समझाता हूं कि यह हलाल और झटके का मामला क्या है। जिसे जबह किया जाता है उसके साइंटिफिक बेनिफिट बहुत होते हैं। हलाल करते वक्त पहले कैरोटिड नस को काट दिया जाता है, इसके अलावा विंड पाइप को काट दिया जाता है, जिसके बाद ये जो ब्लड होता है बॉडी में, उसका जो खून होता है नसों से, वो दिमाग तक नहीं पहुंचता, जिससे दिमाग उस जानवर का काम करना सेंस बंद कर देता है, सेंस लेना बंद कर देता है, जिससे उसको कुछ पता नहीं चलता। और खून के बहाव से, क्योंकि आराम से काटा गया है, धीरे धीरे काटा गया है, तो खून के बहाव से गोश्त के अंदर, मांस के अंदर जितना भी खून होता है वो धीरे 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 बाहर निकल जाता है, जिससे उस गोश्त के अंदर, उसके मांस के अंदर बैक्टीरिया, कीटाणु नहीं पनप पाते हैं और वो मांस हानिकारक नहीं होता है। और ये हलाल मीट हेल्थ के लिए अच्छा होता है। अमरीकी डॉक्टर से लेकर दुनिया के किसी भी डॉक्टर के पास चले जाइए, बस उस डॉक्टर के पास जाइएगा जो गू और मूत ना खाता हो। गजब बेइज्जती है। मतलब जो आरएसएस और भगवा वाला ना हो। बहरहाल इसके विपरीत यानी दूसरी तरफ जो झटके का होता है, उसे एक झटके से काट दिया जाता है। भले ही उस जानवर को इस झटके से कम दर्द होता हो, लेकिन खून जहां का तहां अकड़ जाता है, रुक जाता है और खून बॉडी से उस पशु के बाहर नहीं आ पाता, और जिससे खून अंदर सड़ भी जाता है और तो और वो मांस अकड़ जाता है और उस मांस के अंदर कीटाणु और बैक्टीरिया बहुत जल्दी पनपते हैं, जिसके खाने से इंसानों को बीमारियां लगती हैं। हलाल और झटका, खाओ झटका। मारो हमको, मारो हमको, जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। यह अंधभक्त करते ही यही है ऐसा काम कि कोई भी आएगा और पटाख से मार के चला जाएगा। इनका प्रोपेगेंडा शुरू का याद है, जब कोरोना फैला था तो कह रहे थे गू खाने से, बदन पे गोबर लेपने से नहीं होगा कोरोना, गौमूत पीने से नहीं होगा कोरोना। रुका कोरोना, रुका। अरे लवर झंटसो, कितना प्रोपेगेंडा करोगे, थोड़ा शर्म लिहाज नहीं है? मतलब आत्मा खुद को कोसती है कि नहीं है? नहीं कोसती होगी, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी जिल्लत वाली है बे। अब दोस्तों बायकॉट हलाल ट्रेंड चल रहा है कि हम हलाल प्रोडक्ट नहीं लेंगे। अरे तुम गू खा लो भाई, हम तो कहते हैं तुम गू खाओ। अब हराम खाने वाले, हराम जिंदगी जीने वाले हलाल का कैसे खा सकते हैं? बात तो सही है। अबे भैया हलाल तो हलाल ही खाएगा, जो वर्ड नहीं बोलना चाहता हलामी, हलामी तो खाए। मैं बोलने नहीं चाहते हम, हलाल ही हलाल खाता है। समझ गए होंगे आप। आइए अब मैं अंधभक्तों की लाइन से, जो ये कह रहे हैं कि हम बायकॉट तलेंगे किसका, हलाल प्रोडक्ट था। तो दोस्तों अब जो मैं खुलासा करने जा रहा हूं, इसके बाद गोबर भक्तों को सिर्फ गोबर खाना पड़ेगा, पीने में सिर्फ उनको मूत पीना पड़ेगा, गू की रोटी और गू का ही खाना बना के खाना पड़ेगा, क्योंकि ये हकीकत है अब जो आपके सामने पेश करूंगा। अंधभक्तों ने बायकॉट करना शुरू कर दिया है हिमालय प्रोडक्ट का। जी हाँ, अब हिमालय में 10 मालिक हैं। कहा यह जा रहा है कि मालिक जो है मुसलमान है, इस वजह से हम हिमालय का बायकॉट करेंगे। हकीकत दोस्तों यह निकली कि 10 में से 9 मालिक तो हिंदू हैं और वो सब हलाल सर्टिफिकेट पे हिमालय का प्रोडक्ट बेच रहे हैं। तो दोस्तों अनभक्तों को हिमालय का प्रोडक्ट छोड़ना पड़ेगा, ठीक है? छोड़ दो हिमालय, छोड़ दो
लेकिन आगे क्या करोगे देखकर जाना नहीं, मारेंगे बहुत पकड़ के। रुको, आहा, अडानी प्रोडक्ट को कौन नहीं जानता। अडानी सुने हो, ये देखो अडानी के ये सारे प्रोडक्ट्स है, इस ससुर सारे के सारे हलाल हैं। आपकी स्क्रीन पर अडानी ने ये जो हलाल सर्टिफिकेट लिया, ये देखिए। अब क्या होगा, अडानी का भी बायकॉट करो प्लीज। ए भैया प्लीज, बायकॉट करोगे ना, जल्दी करना बायकॉट। इतना ही नहीं दोस्तों, रिलायंस का प्रोडक्ट भी हलाल वाला है, जितने भी इसके पास प्रोडक्ट हैं। अब आपकी स्क्रीन पर ये देख लो, ये सारे रिलायंस के प्रोडक्ट हैं और ये आ गया रिलायंस का सर्टिफिकेट। आ हा 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 हा, अब भैया जी प्लीज रिलायंस का बायकॉट करोगे ना। ओहो हो बताइए, मोदी जी के बेस्ट फ्रेंड, उनका बायकॉट करोगे? अरे मोदी जी रात को 8 बजे आके मारेंगे घर में घुस के, मेरे जितने भी अनभक्त हैं भाई बहनों, सिर्फ और सिर्फ अदानी और अंबानी का ही खाना है तुम्हें, चाहे हलाल हो चाहे हराम, खाना उसी का है। यार मोदी जी के दोस्त अब तुम बायकॉट नहीं करोगे हैं? इतना ही नहीं, टाटा कंज्यूमर का प्रोडक्ट कौन नहीं जानता। आहा, ये देखिए इसके पास भी सर्टिफिकेट हलाल का है, करो बायकॉट। अरे भैया पार्ले, ये देखो, आहा वाह, पार्ले के ये सारे प्रोडक्ट, उसके पास भी ये आ गया सर्टिफिकेट। अरे बाप रे, इसका कैसे करोगे बायकॉट? ओले ले ले ले, अब ताता ले दा मिला अनभत। ओले चलो दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर को कौन नहीं जानता? आपके स्क्रीन पर, अरे आपके बच्चे तो हॉर्लिक्स पीते हैं, बूस्टर पीते हैं भाई साहब इसका। ओह, अब क्या होगा? ऐसा हाल हो रहा होगा अंधभक्तो, गलत जगह मुंह मार दिए हो। इसके पास भी हलाल सर्टिफिकेट। अरे भैया कृष्णा इंडस्ट्रीज के पास भी आहा सर्टिफिकेट, ये देखिए कृष्णा इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स और उस पर ये आहा। कृष्णा इंडस्ट्रीज को क्यों जरूरत पड़ गई हलाल सर्टिफिकेट की? मुसलमान कस्टमर बहुत जबरदस्त होते हैं ना, उनसे भी तो खींचना है पैसा। बिजनेस में धर्म नहीं लाया जाता, वरना नुकसान तगड़ा होता है। कृष्णा इंडस्ट्रीज से पूछ लीजिए जाके, और अंधभक्तों से और संघ से गुजारिश है, कृष्णा इंडस्ट्रीज की बिल्डिंग में घुसिए और जो हमेशा करते हैं वो करके आइए। जो भी केजरीवाल के घर पे करा है ना आपने, दम है तो कीजिएगा। इसी के साथ क्वालिटी फूड्स, ये भी तो आप खाते पीते हैं भाई, इसके पास भी हलाल सर्टिफिकेट है भाई। इसके बाद तो बहुत बढ़िया वाला है, अमूल प्रोडक्ट्स, अमूल की आइसक्रीम, अमूल का दूध, अमूल की दही। अले ले ले ले, अनबत्तो अब ता तलो दे, इसके पास भी हलाल सर्टिफिकेट है। दोस्तों काहे काहे का बायकॉट करोगे? अब तुम्हें कसम है हराम की, क्योंकि हलाल तो तुम्हें पसंद नहीं है, तो हलाल की हम तुम्हें कसम देंगे नहीं, तुम्हें हराम की कसम है। ईमानदारी से ये सब चीजें खाना बंद कर देना, सड़क पे उतर जाओ, इंजन पे बैठ जाओ। जिक्सार डाबर, डाबर का प्रोडक्ट एक नहीं बहुत सारे प्रोडक्ट हैं भाई साहब, हलाल सर्टिफिकेट है इनके पास, डाबर का भी पाइक। इसके अलावा मिल्की मस्ट डेयरी, आहा प्रोडक्ट्स देखिए इनके, हाँ इनके पास भी सर्टिफिकेट है, तो इसका भी बायकॉट करिए। उसके बाद तो ये आ गया मदर डेयरी, आहा इसका कैसे करेंगे बायकॉट? कह तो रहे हैं गलत जगह मुंह मार दियो, दूध पीना बंद कर दो एकदम मदर डेयरी का, डायरेक्ट मुंह डायरेक्ट लगाओ और खुचुर 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 पियो। अब वैसे भी तुम्हें दूध की क्या जरूरत, गौमूत्र सबसे बढ़िया है, पर कोरोना तक नहीं होने देता तो दूध क्या करोगे, सीधा मुंह ही पियो। बताइए मदर डेयरी के पास भी यार सर्टिफिकेट है, बायकॉट करेंगे इसका भी हम, करो बायकॉट। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे,
और उसके बाद तो बवाल हो गया, धोती फाड़ के रुमाल हो गया नेस्ले। ओफो ओम्फो, अब क्या होगा भक्तों का। उफ, नेस्ले वालों के पास भी चॉकलेट आइसक्रीम ये, भाई साहब नेस्ले को कौन नहीं जानता, इनके पास भी हलाल सर्टिफिकेट है। तो अब क्या करोगे, क्या करोगे, दीवार में मुंह मारो जाके। इसके बाद आईटीसी के प्रोडक्ट्स को कौन नहीं जानता, आईटीसी कंपनी, ये सारे प्रोडक्ट देख लीजिए। अरे बाप रे बाप, इसके पास भी हलाल का सर्टिफिकेट है। भक्तों मेरी एक सिंपल सी अच्छी सी राय है, पेट्रोल डीजल गैस टोल सब महंगा हो गया है, ऊपर से जो चीज़ तुम खरीद भी नहीं सकते थे क्योंकि कमाई तो हो ही नहीं रही है, लेकिन फिर भी जो थोड़ा बहुत खरीद पा रहे थे उसका तुम बायकॉट भी करना चाह रहे हो, तो अब तुम्हारा इस शहर में गांव में कोई काम नहीं है। कपड़ा उतारो, लुंगी तैबंद बांधो और जंगल में निकल जाओ। इतना ही नहीं, बाबा रामदेव के प्रोडक्ट्स भी हलाल हैं। अब क्या करोगे ओई माँ, अब क्या करोगे। बाबा रामदेव के ये सारे के सारे प्रोडक्ट हलाल सर्टिफिकेट पर हैं। अब औकात हो तो बायकॉट करके दिखाओ। ब्रिटेनिया कौन नहीं जानता, ब्रिटेनिया, ये सारे प्रोडक्ट देख रहे हैं ब्रिटेनिया के, हलाल सर्टिफिकेट है इनके पास, करो बायकॉट। अच्छा ओम इंडस्ट्रीज, अब्दुल की तो नहीं है। ओम इंडस्ट्रीज ने भी अपने मफाद अपने फायदे के लिए हलाल सर्टिफिकेट ले रखा है। दम हो ओम इंडस्ट्री में जाओ, वही करके दिखाओ जो हमेशा करते आए हो, मार के भगाए जाओगे। खैर दोस्तों, अच्छा यहां पर मैं जो भी कह रहा हूं मैं हंस के कह रहा हूं, इसमें देखो मैं समझा रहा हूं पब्लिक को। इसके साथ दोस्तों एवरेस्ट के मसाले, ओह ये सारे मसाले, ओह माय गॉड, अब घर में खाना कैसे बनेगा भाई, बायकॉट तो करना पड़ेगा यार। ना 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 ना, ना हिंदू थतले में है भाई साहब, बायकॉट तो तलना पड़ेगा वरना हिंदुओं का होगा क्या, बायकॉट करो। इतना ही आज के लिए काफी है, वरना नींद आएगी नहीं और खून की हगोगे। मुंह से भी और उधर से भी। नाम याद रखिएगा रजा गराफी, नाम है काफी, दुश्मन के लिए दुश्मन साथियों का साथी। चलिए इस रिपोर्ट के बारे में दोस्तों आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट में लिखिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए। हम है रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी। जय हिंद। तो दोस्तों ये हैं वो लोग जिन्होंने बहुत हमारी मदद करी है और इन सभी का तहे दिल से शुक्रिया, और आपसे उम्मीद है किसी तरह से आप अपने दुआओं में और अपने साथ में हमें याद रखेंगे।